सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते दिनों 7 जून को निर्वाचन आयोग ने नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्रदान किया। इस प्रकार भारत में कुल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। इन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय दलों की सूची में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स जैसी पार्टियां शामिल हैं। डीएनएस में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, साथ ही समझेंगे राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले फायदे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए 3 मानक तय किए हैं। इन मानकों में से किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही मानक को पूरा करने की जरूरत होती है। आइए अब इस प्रक्रिया को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन 3 मानकों के बारे में बताएं तो इनमें पहला मानक ये है कि यदि कोई राजनीतिक दल 3 अलग अलग राज्यों में कुल लोकसभा की 2% सीटें हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इस बात को और आसान शब्दों में समझें तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में कुल 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है। चुनाव आयोग का दूसरा मानक यह है कि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों के कुल मतों में से 6% वोट मिलना जरूरी होता है। साथ ही राजनीतिक दल को लोकसभा की भी 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है। चुनाव आयोग के आखिरी और तीसरे मानक के मुताबिक किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली होनी चाहिए। हाल ही में नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिली राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग के तीसरे मानक को पूरा करने के आधार पर मिली है। अभी तक नेशनल पीपुल्स पार्टी को मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में राज्यस्तरीय दल का दर्जा मिला हुआ था। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके तहत उसे अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य स्तरीय दर्जा मिल गया। इस प्रकार नेशनल पीपुल्स पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल गई, जिसके तहत वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता पाने के काबिल हो गई। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्राप्त होने पर पार्टियों को सभी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में इन 3 शर्तों को बरकरार रखना होता है, नहीं तो पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म हो जाता है। दरअसल भारतीय राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो बगैर किसी दल में शामिल हुए चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा कोई संस्था भी चुनाव आयोग में बगैर पंजीकृत हुए चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जब तक कोई संस्था चुनाव आयोग में पंजीकृत नहीं होती तब तक उन्हें राजनीतिक दल का दर्जा नहीं मिलता। इसके साथ ही इन संस्थाओं को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिला लाभ भी नहीं मिलता है। पंजीकृत राजनीतिक दलों को किसी कंपनी, व्यक्ति या स्वैच्छिक सहायता संगठनों से चंदा लेने की अनुमति होती है। इसके अलावा पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह के आवंटन में वरीयता प्रदान की जाती है, जबकि निर्दलीय या गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह के आवंटन में वरीयता नहीं दी जाती। दरअसल पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के जरिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है तो वो पूरे भारत में अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव चिन्ह तय कर सकती है। किसी भी राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय दल को मतदाता सूचियों में संशोधन की 2 प्रतियां निःशुल्क दी जाती हैं। आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय दलों को आम चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारकों को नामांकित करने की भी सुविधा मिली होती है। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारकों को शामिल कर सकता है। हालांकि इन स्टार प्रचारकों की यात्रा खर्च उस उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता जिसका वो चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं।